वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द अनदर सेशन ऑफ द मेरिटोरियस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन तीन बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में जो ट्वेल्थ के बाद कंडक्ट करवाई जाती है। अगर आपने अभी टेंथ दिया या टेंथ अपियर हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें इन तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ा बहुत पैटर्न बताऊंगा एग्ज़ामिनेशन का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा और मैं बात करूंगा कि कंपटीशन कितना है इन एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीट की। ये तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम का सबसे पहले मैं क्विक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम MBBS और BDS मेडिकल फील्ड में जाने के लिए या डेंटिस्ट बनने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाती है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। उसके बाद में JEE और JEE BARC। JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम इंजीनियरिंग BTEC BE या फिर BARC यानी आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट बनने के लिए कंडक्ट करवाई जाती है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाई जाती है आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन एंट्रेंस एग्ज़ाम को जो है देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहली चीज़ कि ये MBBS BDS में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट करवाई जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं BTEC बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE और उसके बाद में बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट BARC और ये आर्मी नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, तो ये क्विक इंट्रोडक्शन हो गया तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में पैरेलली। तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको ट्वेल्थ अपियर होना तो ज़रूरी है, यानी कि या तो आप ट्वेल्थ अपियरिंग स्टूडेंट हों, तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम में से किसी भी एक का फॉर्म भरने के लिए ट्वेल्थ अपियरिंग स्टूडेंट्स हों या फिर आपने ट्वेल्थ दे चुके हों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो इसमें एक एज फैक्टर भी है, यानी कि एज क्राइटेरिया भी है। तो एज क्राइटेरिया क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मिनिमम आपकी एज 17 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए आप, और मैक्सिमम 25 ईयर्स ओल्ड। तो ये एज क्राइटेरिया है नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अभी लेटेस्ट। ठीक है, पहले कोई एज क्राइटेरिया नहीं था, अब एज क्राइटेरिया इन्होंने एज फैक्टर भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। और नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको ट्वेल्थ अपेयरिंग आप हों, PCB सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी साइंस बायो सब्जेक्ट से आपका ट्वेल्थ होना चाहिए या आप ट्वेल्थ अपेयरिंग होना चाहिए, आपका बायो सब्जेक्ट होना ही चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और एज फैक्टर तो मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद में JEE की बात करें हम, तो JEE में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट PCM सब्जेक्ट कंपलसरी है, और इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया ये है, या तो आप ट्वेल्थ अपेयरिंग हो, या तो आपने ट्वेल्थ पास कर ली हो लास्ट ईयर, या फिर ट्वेल्थ पास करे को आपको 2 साल हो गए हों, यानी कि आपको 2 ड्रॉप लेने का इसमें जो है परमिशन होती है। मतलब आपने अगर आप 2019 के लिए बैठ रहे हैं, 2019 में अगर JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है आपके लिए, या तो 2019 में आपकी ट्वेल्थ में आप हों, या तो 2019 में आप एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर 18 में पास कर लिया हो आपने, या फिर 17 में पास कर लिया हो, उससे कम नहीं, यानी कि आपको सिर्फ 2 बार इसमें ड्रॉप लेने की इजाज़त है। ड्रॉप का मतलब ये होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं ट्वेल्थ के बाद 1 साल प्रिपरेशन के लिए देते हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि हमें अच्छा कॉलेज मिले और आगे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहें हमारे लिए, आगे जो हमारी डिग्री है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहे। ठीक है, अच्छी रैंक लाने के लिए ऐसा करते हो। इसमें जो है मैंने आपको बता दिया है कि दो इसके अंदर जो है 2 साल के यानी कि 2 ईयर्स का ड्रॉप लेने की परमिशन होती है, और इसमें JEE एडवांस भी होता है, एक JEE एडवांस IITs में एडमिशन लेने के लिए होता है, और JEE मेन NITs में एडमिशन लेने के लिए होता है, वो मैं कॉम्पिटिशन के टाइम पर आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो IIT के लिए यानी कि JEE एडवांस के लिए सिर्फ 1 साल का ड्रॉप लेने की आपको परमिशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं कंपटीशन के बारे में।
अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर NDA के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो NDA के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आपका PCM से फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका कंपलसरी है आर्मी नेवी और एयर फोर्स में जाने के लिए। अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट था कॉमर्स प्लस मैथ्स तो आप सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं, नेवी एयर फोर्स यानी कि शिपिंग और एयर फोर्स यानी कि आप समझते होंगे उसमें जाने के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है। तो आपका PCM सब्जेक्ट होना ज़रूरी है 11th 12th में, यानी कि 12th आपने PCM से दी हो तो ही आप नेवी और एयर फोर्स के लिए भी एलिजिबल है, वरना आप सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, आप फिज़िकली फ़िट रहना चाहिए, आपकी हेल्थ, आपकी हाइट ज़्यादा नहीं, आपकी हाइट भी कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि आपको एक ब्रोशर मिलेगा उसमें अपेंडिक्स 4 में आप पढ़िएगा, उसमें सारी एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि कितनी हेल्थ आपकी होना, कितनी हाइट होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम, और हेल्थ क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे फैक्टर की, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे फैक्टर की जो मुझे ऐड करना था यहाँ पर, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो तीनों में हम पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम कंपटीशन की कि हमें क्या क्या कंपटीशन देखने के लिए मिलता है इन तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो पैटर्न की बात करें तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है ये टोटली तीनों ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं तीनों एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम 720 मार्क्स का होता है, 720 में से आपको 360 मार्क्स यानी कि 180 और 180 में अगर डिवाइड कर दें इसको, फिज़िक्स और केमिस्ट्री देखने के लिए मिलता है, और बचा हुआ 360 मार्क्स का बायोलॉजी यानी बॉटनी और जूलॉजी देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसका जो है आपका एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न होता है। इसके पैटर्न की बात करें तो ये साल में दो बार कंडक्ट करवाया जा रहा है 2018 से। ठीक है, पहले एक ही बार होता था अप्रैल में, अब जनवरी और अप्रैल दो बार साल में जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है, और इसमें आपको 360 मार्क्स का पेपर देखने के लिए मिलता है। इक्वली डिवाइडेड होते हैं तीनों सब्जेक्ट्स इसमें, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन देने के लिए मिलता है, यानी कि आप ऑनलाइन इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है तीनों सब्जेक्ट्स यानी कि 90-90 मार्क्स के फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इक्वली वेटेज में आते हैं, और तीनों ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और तीनों में लगभग आपको जो है 4 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, और माइनस मार्किंग भी इसके अंदर होती है। इसकी अगर बात करें तो ये जो है कुछ दो फेजेस में होता है आपका एग्ज़ाम। NDA एग्ज़ाम जो है दो फेजेस में होता है, सबसे पहला फेज़ जो होता है वो आपका 900 मार्क्स का होता है, 600 मार्क्स का होता है, उसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका मैथमेटिक्स का और एक होता है दूसरा जिसमें आपका जनरल नॉलेज, केमिस्ट्री, फिज़िक्स ये सारी चीज़ें आती है, यानी कि 300 मार्क्स के दो पेपर होते हैं। फिर दूसरी स्टेज जो होती है वो 900 मार्क्स की होती है, उसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं होता है, उसमें आपका जो है सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता है, यानी कि इंटरव्यू बेस्ड वो चीज़ होती है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, उसके बाद आपका जो है फिज़िकल चेकअप होता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती है 900 मार्क्स में। तो टोटल मिलाकर हम देखें तो 9 + 600 यानी अगर आप देखेंगे टोटल मिलाकर तो 1500 मार्क्स का ये एग्ज़ामिनेशन होता है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो टोटल सीट्स अगर देखें ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज की MBBS के लिए तो टोटल सीट्स 30,000 के आसपास हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। अब मैं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं करूँगा क्योंकि MBBS में प्राइवेट कॉलेज में अगर हम मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इसमें प्राइवेट कॉलेज से MBBS करना। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। फीस रेंज होती है बच्चों, टोटल 5 ईयर्स का कोर्स है, ये टोटल 5 साल का कोर्स है। प्राइवेट कॉलेजेस में इसकी फ़ीस की जो रेंज होती है मैं बता रहा हूँ आपको, 6 लाख से लेके तो 8 लाख डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज, कॉलेज आपका कैसा है, 6 से 8 लाख और भी ज़्यादा
बढ़ी जा सकती है। मतलब अभी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और दो साल बाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और भी ज़्यादा इंक्रीमेंट हो सकने के चांसेस इसमें हैं। तो एक साल के का इतना जो है आपका वहाँ पर फीस होती है, और 5 ईयर्स का कोर्स है, तो अगर मिनिमम भी अगर हम अभी के हिसाब से लेके चलते हैं तो मिनिमम 30 लाख के आसपास आपको लगेगा टोटल MBBS को करने में। और MBBS के बाद फिर MD भी 2 साल का जो है करते हैं, क्योंकि MBBS बहुत बड़ी डिग्री है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स MD करते हैं। उनका कहना ये है कि MBBS की अब उतनी वक़्त नहीं रही जितनी पहले थी, इसलिए MD भी वो करते हैं, तो वो चीज़ अलग से आप लेकर चलिए, ठीक है। तो कंपटीशन की अगर बात करें हम, सीट्स मैंने बता दी गवर्नमेंट कॉलेज की, इसमें 30,000 के आसपास होती है, टोटल स्टूडेंट्स 15 लाख के आसपास इसमें देते हैं। पंद्रह लाख स्टूडेंट्स के आसपास इस एंट्रेंस टेस्ट को देते हैं, और 30,000 के आसपास ही आपकी जो है इसमें सीट्स होती है। अगर आप इसमें रेशो निकालने जाएंगे तो 3:1, 3:3, 5:15, 1:50। अगर आप 50 स्टूडेंट्स में से अपने आप को, 50 तरह तरह के स्टूडेंट्स में से अपने आप को फर्स्ट रैंक में लाने के लिए काबिल हैं, तो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं उस फील्ड में, ठीक है। तो मैंने आपको कंपटीशन बताया, इसमें प्राइवेट कॉलेजेस में भी इसमें ज़्यादा सीट्स नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी 30-35,000 के आसपास ऑल ओवर इंडिया में सीट्स हैं इसमें। और मैं आपको बता दूं, इतनी रैंक लाने के लिए कम से कम आपको 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, ये मैंने आपको बताया, 720 में से कम 600 मार्क्स लाने पड़ेंगे, मिनिमम 600 के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो आपकी इतनी रैंक जो है बनती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। अब इसमें हम बात कर लेते हैं JEE में। तो JEE जो एग्ज़ाम होता है वो 2 कॉलेजेस के लिए होता है। सबसे पहले होता है NIT, अभी BRK की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, NITs में एडमिशन लेने के लिए, और दूसरा IITs में एडमिशन लेने के लिए। IIT हिंदुस्तान के बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड, बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस माने जाते हैं। टोटल अभी की बात करें हम तो 30 कॉलेजेस के आसपास है ऑल ओवर इंडिया में, और इसमें टोटल 10,000 के आसपास सीट्स होती हैं। अगर हम NITs की बात करें तो टोटल 20,000 के आसपास सीट्स हैं एट प्रेजेंट, और इसको देने वाले 2019 की अगर हम बात करेंगे, या 18 की बात करें पिछले साल की, तो इसको देने वाले स्टूडेंट्स कितने होते हैं, 15 लाख या 16 लाख के आसपास, और भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप कंपटीशन देख लीजिए, IITs में 10,000 सीट्स होती हैं टोटल, NITs में होती हैं, वो अलग बात है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ढेर सारे हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस इंदौर की मैं बात करूँ आपसे, तो 50-60 से ज़्यादा कॉलेजेस इंदौर में ही आपको जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल जाएंगे, लेकिन उनसे इंजीनियरिंग करने से कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो IITs NITs से करेंगे तो ही इंजीनियरिंग वो आपकी सही मायनों में कहलाएगी, तो ही अगर आप इसमें सिलेक्ट हुए हैं तो ही आप ये समझ लीजिए कि मैं इंजीनियरिंग के लिए डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। तो ये कॉलेजेस टोटल अगर हम मिलाएं इनकी सीट्स तो 30,000 के आसपास होती है। अच्छा, ये एग्ज़ाम जो है 2 पार्ट में होता है, सबसे पहले JEE मेन होता है जिसमें 15 लाख के आसपास जो है एग्ज़ाम देते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके बाद में JEE एडवांस होता है जिसमें से 15 लाख में से टॉप 1.5 लाख स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं और वो एग्ज़ाम्स देते हैं, और उन 1.5 लाख में से 10,000 के आसपास का सिलेक्शन होता है, और यहाँ पर टोटल 15 लाख में से 20,000 को NITs मिल सकते हैं। और ये एग्ज़ाम मैंने बताया आपको कि ये एग्ज़ाम 360 मार्क्स का होता है, और 360 में से अगर आपको बहुत अच्छा NIT कॉलेज चाहिए तो कम से कम 250 से ऊपर आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, 250 प्लस मार्क्स, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है ये, माइनस मार्किंग भी होती है इसमें। अब BRK की बात कर लेते हैं, आर्किटेक्ट की, तो BRK का इसमें पेपर 2 होता है, पेपर 2 इसमें आपको मैथमेटिक्स ही पूछा जाता है बस, और मैथमेटिक्स के अलावा आपको जो है एक
दूसरा पार्ट होता है इस टेस्ट का, जो कि उसमें आपको एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका उसके अंदर, ठीक है। इसमें भी काफ़ी कॉम्पिटिशन है, एस्पिरेंट्स एज कम्पेयर टू JEE एस्पिरेंट्स इसमें कम होते हैं, कैंडिडेट्स कम होते हैं, लेकिन सीट्स भी उतनी ही कम है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं NDA की। तो NDA को हर साल 6 लाख के आसपास स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देते हैं, ठीक है। 6 लाख के आसपास स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, रिटर्न में 6,000 के आसपास सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो और जो फ़िल्टर लगाया जाता है, यानी कि इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद जो मैंने आपको बताया हाइट, हेल्थ चेकअप और मेडिकल चेकअप, इसमें कई सारे निकल जाते हैं और 1,000 के भी अंदर स्टूडेंट्स टोटली इसमें सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही, अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आप सिर्फ आर्मी में जा सकते हैं, नेवी और एयर फोर्स में जाने के लिए आपका PCM सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। कोई चीज़ अगर छूट गई हो या फिर कोई क्वेरी हो आपकी, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने अभी 10th अपीयर की है और उनको जो है इन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में इंट्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने आपको पोल डाला था कि हमें 11th का सिलेबस स्टार्ट कर देना चाहिए या नहीं, तो आप में से 80% स्टूडेंट्स ने बताया कि हाँ स्टार्ट कर देना चाहिए, और 20% ने कहा नहीं करना चाहिए, और कमेंट में मिक्स्ड कमेंट आए हैं। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने निकाला है आपके लिए। सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि हम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मई में, यानी कि अगला जो महीना होने वाला है, उसमें आपको वीडियो ना के बराबर मिलने वाली है, नहीं मिलेगी। तो ये महीना है हमारे पास, और इस मंथ के आपके पास लगभग जो है कितने दिन बाकी है, सिर्फ 20-25 दिन बाकी है, उसमें से भी हम जो है 10 से 15 दिन मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया है, सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर देते हैं, उसमें एक चैप्टर हो, दो चैप्टर हों, जितने भी होंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लेना मई में, और जून से हम फिज़िक्स और मैथमेटिक्स और इवन केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर डिसाइड की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो होते हैं इसमें फ़ीस बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर आपको बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है तो आप ले सकते हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत कम फीस होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें MBBS और इसमें, तो ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।